हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसी रेमेडी यूज करेंगे जिससे हमारे बाल शीशे जैसा शाइन करेंगे। जिनके बाल ग्रे हो रहे हैं, जिनके बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं और जिनके बाल टूट रहे हैं, छोटी मोटी नहीं हो रही है, ये रेमेडी बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये मैजिकल शैम्पू इतना अमेजिंग है कि आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं। आज हमने ये शैम्पू करा हुआ है और हमने हल्की ऑयलिंग भी की हुई थी, फिर भी इतनी शाइन आई है। और ये सारे ऑयल हमारे स्कैल्प से निकाल चुका है, आप देख सकते हैं मेरे बाल। और हमने कोई भी शैम्पू यूज नहीं करा था इसके अलावा। मुझे ये शैम्पू इतनी पसंद है कि हफ्ते में हम हमेशा एक बार इससे शैम्पू जरूर करते हैं। इससे हमारे बालों में एक अलग ही शाइन आता है, इससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं, क्योंकि इसमें आंवला है, शिकाकाई है, रीठा है, फ्लैक्स सीड्स है, फेनुग्रिक सीड्स है, ये सारे हमारे बालों के लिए अमृत का ही काम करते हैं। और ये सारे चीजें मिलके हमारे बालों में एक नई जान डाल देती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। हम आंवला, शिकाकाई और रीठा तीनों को एक ही क्वांटिटी में लेंगे, मतलब 100 ग्राम हमने आंवला लिया है तो 100 ग्राम ही हम शिकाकाई और रीठा लेंगे। उसके बाद फ्लैक्स सीड्स और फेनुग्रीक सीड्स को हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को हम ग्राइंड करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी हमें यूज़ करना हो हम इसे ताज़ा बना के उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रख दे, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद हम लेंगे एक ग्लास पानी, जिसमें 2 चम्मच हम इसे हुआ डालेंगे। प्याज का छिलका ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि प्याज का छिलका अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। माना जाता है कि जितनी प्रोटीन विटामिन सब्जियों में होती है उससे कई ज़्यादा छिलकों में पाई जाती हैं, तो ये हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। इससे हेयर ग्रोथ भी फास्ट होता है। इसे हम चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ा थिक हो जाए। ये सभी पानी में मिक्स हो चुके हैं, प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे बंद कर लेंगे, उसके बाद इसे ठंडा करके छान लेंगे। ये जो छन्नी में थोड़ा मोटा पार्ट रह जाता है, इन्हें भी हम हाथों से मसल के छान लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सारा झाग बना है। हमारा शैम्पू बनके रेडी हो गया है, अब हम इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आधे घंटे तक अपने बालों में लगा रहने छोड़ देंगे। अप्लाई करने के लिए पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद अप्लाई करेंगे। इसे हम अपने बालों में पार्टीशन करते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे पूरे बालों में, जैसे हम हिना लगाते हैं अपने बालों में उसी तरीके से पूरे बालों में अच्छे से हम लगाएंगे। आपके पास टाइम हो तो इसे आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दे, अगर ना हो तो आप 15 मिनट के लिए भी लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट बाद अपने बालों को हेयर वॉश कर लेंगे, कोई शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, पहले अपने बालों को सूखने देंगे। उसके बाद रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिए, मेरे बालों से मेरे हाथ हट ही नहीं रहे हैं। आज इतना ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, सिल्की स्मूथ मेरे बाल हो गए हैं। केमिकल शैम्पू से मेरे बाल ऐसे कभी नहीं हो।